ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर में दहेज और विवाहिताओं के साथ मारपीट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला थाना भेट इलाके के कादरपुर गांव का है, जहां एक विवाहिता की शादी 11 दिन पहले हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी में जरूरत से ज्यादा सामान दिया था, बावजूद इसके आरोपी ससुराल के लोगों ने 4 दिन बाद ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। आरोपी ससुराल के लोग 1,00,000 रुपए और गाड़ी की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी न होने पर उन्होंने विवाहिता के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसकी कनपट्टी पर तमंचा भी लगाया, साथ ही चाकू से सिर में वार कर घायल कर दिया गया। घटना को अंजाम दे ससुराल के लोग विवाहिता को मायके छोड़कर भागने लगे, लेकिन लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष के एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। इसके साथ ही पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी ससुरालियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। आपका नाम? अफसाना। कब हुई थी शादी आपकी? 14 तारीख में। क्या नाम है घर वाले का? सुलेमान। क्या हुआ? जी दहेज दिया था सबको शादी में और पैसे नहीं दिए, 1,00,000 रुपए और गाड़ी, इसकी वजह से मार्केट आई थी, पिस्टन लगाया कान पे और फिर मार्केट आई थी और चलाने धमकाने वाली बात की भाई से और फिर कार से तलाक देगा छोड़ दूंगा तुम्हें, इसकी वजह से हम थाने में आए। ये सिर पे चोट कैसे लगी, कैसे मारा? सर पे चोट चाकू ले रखा था बटन वाला, उससे मारा और बहुत चोट मारी है जान में शरीर में, और फिर हम थाने आए, यहाँ पे लिखवाया। आपका नाम? अकरम। कौन से गाँव? क्या हुआ आपकी बहन? 14 तारीख को मेरी शादी हुई थी और मैंने बाइक नहीं दी थी और सब शादी में दिया था और अब जो है आज आए थे और लड़की को मार छेद करके और चाकू मार रखा है यहाँ सर पे और उसमें 5-6 टांके हैं और उसमें जो है हमें छोड़ करके भाग रहे थे, भागते हुए हमने पकड़ा और पकड़ के थाने 100 नंबर बुलाई और 100 नंबर बुला करके हमने थाने में भेज दिया। आपकी बहन बता रही थी कनपट्टी पे पिस्टल लगा, जान से पिस्टल लगाया है कनपट्टी पे और बटन के चाकू से यहाँ मार कर रखा है, 5-6 टांके हैं। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।